तो क्या हाल चाल सभी के। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, CISF ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया भर्ती निकाल दी है हमारे युवा भाइयों के लिए। चलिए आज मैं उसकी डिटेल बताता हूँ। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं इधर CISF की सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की मिनिस्ट्रियल की पोस्ट वैकेंसीज आ चुकी हैं। और इसमें क्या क्या अब कौन कौन आवेदन कर सकता है मैं आपको तभी बताऊंगा। अभी मेरी वीडियो में बने रहना लास्ट तक। तो देखिए, इसकी स्टार्टिंग डेट है 26 सितंबर से लेके लास्ट डेट है इसकी 25 अक्टूबर से लेके 25 से लेके 26 से लेके 25 तक इसकी लास्ट डेट है। तो देखिए कौन कौन भर सकता है इसे। इसे देखिए सभी मेल और फीमेल भर सकते हैं। तो क्या ये रहेगी इसकी, और इसकी वैकेंसी का आप चार्ट इधर देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चेहरा सभी इसका चार्ट आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया भर्ती है ये, आप भर सकते हैं अगर आपको भरनी है तो। और एज लिमिट है इसमें 18 से लेकर 25 ईयर्स तक। जिनकी आयु 18 से लेकर 25 साल है वो इसको आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें दोस्तों कि इसमें फिजिकल का फिटनेस टेस्ट नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपकी हाइट और चेस्ट देखी जाएगी। और डोगरा सर्टिफिकेट ऐसा है जैसे इन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई है, ये सिर्फ इनके लिए चलेगी। इधर मैं मार्क करने लग रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये जिसके पास डोगरा है, मराठा है, गोरखा है, मणिपुर है, त्रिपुर, इनके पास जो सर्टिफिकेट होंगे वही चलेंगे, उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी स्पेशल। और जो स्किल टेस्ट है वो सिर्फ उनका होगा स्टेनोग्राफर का, वो होगा स्किल टेस्ट, वो होगा सब इंस्पेक्टर के लिए होगा। ड्यूरेशन 10 मिनट होगी, 80 वर्ड टाइप करने पर मिनट। और ट्रांसक्रिप्शन टाइम होगा 50 मिनट्स इन इंग्लिश, और हिंदी में टाइपिंग करनी है। और हेड कॉन्स्टेबल के लिए इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड 35 वर्ड टाइप करने हैं वो 1 मिनट में। और हिंदी में भी ऐसा ही कुछ है, आप इधर पढ़ लीजिएगा, इधर मैंने बताया हुआ, देख लीजिए ये रहा। तो दोस्तों इसमें फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, और जो होगा वो होगा आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में जो मेडिकल लिस्ट आएगी उसके बेस पर ये रखेंगे आपको। और इधर बहुत सारा लंबा वो है, क्या कहते हैं इसे, नोटिफिकेशन है। और कैसे अप्लाई करना है इधर लिखा हुआ है, आप इधर पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। और स्टेट से इधर लिखा है नेम ऑफ एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर, सेंटर्स लिखे हैं जिनको जिनकी एप्लीकेशन रिसीव होगी जो हम फिल करेंगे। जैसे ये चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल का है, इनको होगा इधर महिला पूर्व दिल्ली, दिल्ली में होगा। और ऐसे ही इनका दिखा है 100 रुपया फीस होगी इनकी दोस्तों, 100 रुपीज़ फीस है। और बहुत ही बढ़िया बढ़िया ये जॉब है। ये देखिए इधर उन्होंने लिखा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन, सभी कैंडिडेट्स के जो हैं वो रजिस्टर, जो जिन्होंने रजिस्टर किया है, क्लोजिंग डेट, फिजिकल स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। उनका क्या होगा, सबसे पहले उनका हाइट चेक होगा। हाइट के चेक होने के बाद इसके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। तो वहीं क्या दिया है, हाइट क्वालिफाई हाइट बार विद दी स्क्रीन और हाइट चेक, हाँ उनकी छाती और हाइट चेक की जाएगी। उसके बाद उनका डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा, फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स सभी ओरिजिनल और क्या फोटोकॉपी देखी जाएगी उसकी। उसके बाद देखिए
उसके बाद उनका होगा रिटर्न एग्जामिनेशन अंडर OMR। कंप्यूटर पे आपका OMR बेस्ड टेस्ट होगा जिसकी ड्यूरेशन होगी 2 घंटा और 100 क्वेश्चन आएंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ये सिलेबस आएगा उनका। और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट की में वही जो मैंने बताया है जिन्होंने स्टेनोग्राफर में भरा है उनकी भी टाइपिंग होगी और हेड कॉन्स्टेबल वालों की भी टाइपिंग होगी जो उसको पास करेगा। फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी फाइनल। तो ये था दोस्तों CISFA का, जिन्होंने जिनकी एज है वो भर सकते हैं। तो आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर जरूर कर देना, मैं उसके लिए नई वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों बाय अभी।